नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती फोर्थ काउंसलिंग अपडेट न्यूज में। तो थर्ड काउंसलिंग, जैसा कि कल नियुक्ति पत्र कार्यक्रम कंप्लीट हो गया था और नियुक्ति पत्र वितरण होने के बाद अब जो सीटों की संख्या है वो क्लियर होने लगी है। जैसा कि आपको प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक कुछ डिस्ट्रिक्ट की सीट और वितरण नियुक्ति पत्र के बारे में बताएं। ये देखिए, प्रयागराज से जहाँ पर लीगल टीम के सदस्य जो थे आर के सिंह नियुक्ति पत्र लेते हुए, इनके अन्य साथी भी। कुल रिक्त सीटों की बात की जाए थर्ड काउंसलिंग के लिए, सीटों की संख्या जो है 1500 तक लगभग खाली जाएगी। इसके अलावा तो सीटों की संख्या की अगर बात करें तो लगभग सीटों की संख्या लगभग 1500 से ऊपर खाली जाएगी, क्योंकि यहां पर अब्सेंट और निरस्त दोनों सीटों की बात होगी। इससे पहले भी कई निरस्त सीटों पर जो है रोके गए थे, थर्ड काउंसलिंग में ऐड नहीं किया गया था, वो भी अब फाइनली रूप से इसमें जुड़ सकेंगे, क्योंकि डाटा जब क्लियर हो जाता है एक बार सीटों को मांगने के बाद, और बाद में जब नियुक्ति रद्द की गई थी जो इनवैलिड पाए गए थे, तो उन सीटों को उसमें ऐड नहीं किया गया था, उन सीटों को बाद में इसी में ऐड किया गया है। अब जो बची हुई सीटें आएंगी फोर्थ काउंसलिंग की, उसमें ऐड किया जाएगा। तो ये कुछ पिक आपको दिखा रहे प्रयागराज से प्राप्त तो मुख्य जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी गण नियुक्ति वितरण कार्यक्रम के दौरान कर ये संबोधन के दौरान माननीय बेसिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी। बात करें अगर महाराजगंज में, तो 144 सीट था, नियुक्ति मिला है 135 लोगों को। यहां पर 144 सीट के सापेक्ष नियुक्ति यहां पर 135 लोगों को मिला है। फतेहपुर में सीट की संख्या बताएं तो सीट की संख्या थी 43, नियुक्ति यहां पे मिला है 32 को। अगर बात करें जीबी नगर में, तो जीबी नगर में जो सीटों की संख्या है 27 सीटें हैं, नियुक्ति कितने का मिला है यहां पे 23 को नियुक्ति मिला है जीबी नगर में। और प्रयागराज में 90 सीट था, 90 सीट में 70 लोगों को यहां पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जबकि 13 अब्सेंट, 7 को होल्ड पे रखा गया है। यहाँ पे प्रयागराज में 90 सीट, 70 को नियुक्ति दिया गया है, 13 अब्सेंट, 7 होल्ड, जबकि मैनपुरी में 79 के सापेक्ष कुल 77 को नियुक्ति पत्र दिया गया है, 2 अब्सेंट किए गए हैं। मैनपुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 79 के सापेक्ष 77 2 अब्सेंट थे, यहाँ पे 2 सीटें ही खाली है। तो ये था जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम महाराजगंज, फतेहपुर, जीबी नगर, प्रयागराज, मैनपुरी। अब बहराइच में बात करें तो 119 में 106 को मिला, बिजनौर में 106 में 101 को मिला, 4 अब्सेंट, 1 रिजेक्ट, आगरा में 107 में से 95 को मिला, अलीगढ़ में 186 में से 161 को मिला है, यहाँ 22 अब्सेंट हैं, अलीगढ़ में 3 का रिजेक्ट कर दिया गया है, 22 लोग अब्सेंट हुए हैं अलीगढ़ में। चित्रकूट में 85 में से 6 अब्सेंट, 3 होल्ड हैं, सिद्धार्थनगर में 12 अब्सेंट, 17 होल्ड, 1 रिजेक्ट हुआ है। तो 12 लोग अब्सेंट हैं, 17 होल्ड, 1 रिजेक्ट। बाराबंकी में 139 में 128 ने ही काउंसलिंग कराई, अभी भी 11 सीटें रिक्त हैं। बलिया में 108 में 95 नियुक्त हुए हैं, 1 को रोका गया, 13 अब्सेंट है। इटावा में 68 सीट के सापेक्ष 65 को मिला है नियुक्ति पत्र। तो बलिया 108 में 95 नियुक्त, 1 को रोका गया, 13 अब्सेंट। इटावा में 68 सीट के सापेक्ष 65 को मिला नियुक्ति पत्र। रामपुर में 143 में से 130 को ज्वाइनिंग दिया गया है। मथुरा में 106 में 93 को नियुक्ति पत्र मिला है। सहारनपुर में 106 में 139 को नियुक्ति पत्र मिला है, 17 को जो था कैंसिल किया गया है, ऑब्जेक्शन में है। बात करें सीतापुर की, 249 के सापेक्ष 226 नियुक्ति पत्र अलाट, 7 होल्ड, 16 अनुपस्थित। बस्ती में 7 अब्सेंट, हाथरस 72 के सापेक्ष काउंसलिंग 53 को नियुक्ति पत्र, 2 अब्सेंट, 2 निरस्त अनुपस्थिति। ठाकुर कृष्णा राजपूत के द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर बिटकर नगर में 7 अब्सेंट, 1 होल्ड, हरदोई में 17 अब्सेंट, 16 होल्ड, रामपुर में 143 के सापेक्ष 130 ने नियुक्ति लिया, सुल्तानपुर में 144 सापेक्ष 131 को नियुक्ति पत्र वितरित, 9 अब्सेंट अनुपस्थित हुए, 3 रिजेक्ट, 1 होल्ड। कौशाम्बी में 60 सीट के सापेक्ष 48 को नियुक्ति पत्र वितरण, 1 होल्ड, 11 अनुपस्थित। वहीं गोरखपुर में 14 अब्सेंट, 3 होल्ड।
तो अन्य जिले की अपडेट जरूर उपलब्ध कराएं जिससे हम अचिन्हितों का भी उद्धार हो सके, ये कहा गया है फोर काउंसलिंग लीगल टीम की ओर से। सभी अपने अपने जिलों के सहयोग स्वरूप डाटा जरूर दें। अगर किसी को कोई भी डिस्ट्रिक्ट की जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि उन भाइयों को उद्धार हो सके जो फोर्थ काउंसलिंग कुछ पॉइंट से बाहर हो गए हैं। आपको फिर से बता दें कि फोर्थ काउंसलिंग के लिए सीटें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि फिर से याद दिला दें कि थर्ड काउंसलिंग जब शुरू हो रहा था तो उससे पहले फर्रुखाबाद में 40 नियुक्ति रद्द किया गया था और इसके अलावा आजमगढ़ सहित कई और फर्जी अभ्यर्थी पाए गए थे, इनवैलिड अभ्यर्थी पाए गए थे। तब तक थर्ड काउंसलिंग का जो डाटा मांगने की प्रक्रिया थी कम्प्लीट हो चुकी थी और काउंसलिंग की तैयारी की जा चुकी थी, तो इसलिए उन सीटों को तो उसमें जोड़ा नहीं गया। अब उन सीटों को देख लें, इन खाली सीटों को देख लें और जो नियुक्ति रद्द हो रही है उसकी देख लें, तो ये सीटों की संख्या 1500 से 2000 के बीच बैठेगी और फोर्थ काउंसलिंग वालों के लिए जिनका कुछ पॉइंट से गुणांक रुका है उनके लिए एक अच्छा अवसर आएगा।